नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 हिंदी प्रथम भाषा बुक 11 पाठ गुब्बारे की आत्मकथा। आज हम प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। एक बार इस उत्तर को फिर से पढ़ेंगे। गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। दूसरा प्रश्न, पहले गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था? पहले गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था? उत्तर है, कागज़ से बना होने के कारण पहले गुब्बारा हवा में नहीं उड़ता था। कागज़ से बना होने के कारण पहले गुब्बारा हवा में नहीं उड़ता था। तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ? वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ? उत्तर है, वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कागज से बने गुब्बारों में कोई गैस भरी जाए जिससे गुब्बारे हवा में उड़ सके। वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कागज से बने गुब्बारों में कोई गैस भरी जाए जिससे गुब्बारे हवा में उड़ सके। चौथा प्रश्न है, गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? उत्तर है, सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। बच्चों, इन प्रश्नोत्तर को क्लास वर्क में नीट हैंडराइटिंग से कॉपी करिए। धन्यवाद।